हेलो दोस्तों, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए हमारा पेड़ पौधा, ये सब हम अपने हाथ से लगाए हैं, मनी प्लांट इसको कहते हैं। एक छोटे पौधे से शुरुआत किए थे और इतना ढेर सारा ये सब पौधा लगा दिए हैं। ये कल रात का वीडियो है, रात में हम शाम को ज़रूर से दिया जलाते हैं तुलसी माँ के आगे। आज से ही नहीं, आज हमें लगता है 25 साल मेरे शादी को हो गया, तब से हम जब बीमार पड़ते हैं तभी छोड़ते हैं, नहीं तो डेली तुलसी माँ और समी के आगे दिया ज़रूर जलाते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत और शांति मिलती है। घर में भी शाम को दिया भगवान जी के कमरे में, भगवान जी के पूजा घर में ज़रूर जलाते हैं दोस्तों, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह हो गई है दोस्तों, ढेर सारी सब्जी फल फूल ये सारा चीज़ आया है जिसको हम छांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। हरी मिर्च है, धनिया है, बोड़ा है, परवल है, कुछ परवल सूख गया है, और ये चना है, बादाम है जो रात में भिंगाते हैं, सुबह हम और बच्चे खाते हैं। सारे साग सब्जी को अलग कर रहे हैं, सारे सब्जियों को हम पहले अच्छे से धुलते हैं, पोछते हैं, फिर उसको हम फ्रिज में रखते हैं। ऐसे ही सारी सब्जी मार्केट से आती है और हम फ्रिज में नहीं रखते हैं दोस्तों, पहले इसकी सफाई अच्छे से करते हैं, हरी सब्जी अलग करते हैं, आलू प्याज सब अलग करके अच्छे से धुल के साफ़ करके तभी हम सब्जी को स्टोर करते हैं। तुरंत मार्केट से आया सब्जी हम स्टोर नहीं करते हैं, फिर जो जो सब्जी हमें समझ में आती है डेली बनाते हैं। वैसे सब्जी की दुकान तो मेरे घर के पास ही है क्योंकि रोड पे ही हम लोगों का मकान है, तो सब्जी के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जब जो मर्जी है सब्जी खरीद सकते हैं। सारा सब्जी उब्जी धुला चुका है। ये नींबू है जिसको हम रस बनाते समय उठा के रख देते हैं। कल रात में हम मूंग भिंगाए थे, मूंग और चावल का ये चीला है जो बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। इसमें मक्खन लगा के फिर पनीर ग्रेट करके डालिए, ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इसको चटनी या सॉस से खाइए, अचार से खाइए, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनता है ये। ये नाश्ते में बनाए थे, मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया और फिर उसके बाद लग गए पनीर की सब्जी बनाने के लिए। प्याज टमाटर काजू हरी मिर्च लाल मिर्च कुछ खड़े मसाले लौंग काली मिर्च तेज पत्ते को तेल में पहले हल्का सा गोल्डन ब्राउन लाल कर देते हैं, फिर इसको हम ग्राइंड कर देते हैं, एकदम महीन पेस्ट इसका तैयार करते हैं। फिर उसके बाद पनीर को तल के पनीर की सब्जी रेडी करते हैं, और पनीर तलते समय हम तेल ज़्यादा नहीं डालते हैं दोस्तों, कम ही तेल में पनीर अच्छे से फ्राई होती है। फिर इसमें तेल में जीरा मिर्चा हींग थोड़ा सा डाल के पिसा हुआ सारा मसाला डाल के इसको हम अच्छे से इस पेस्ट को भूनना शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालते हैं इसमें, ये फट से मसाला बन के तैयार हो जाता है थोड़े से पानी में ही। बहुत ज़्यादा पानी पनीर की सब्ज़ी में नहीं अच्छा लगता है बच्चों को, क्योंकि पनीर तल चुके हैं, पनीर भी मेरा रेडी हो गया है। अब इसमें धनिया हरी मिर्च लाल मिर्च पाउडर घर का बना गरम मसाला ये सारा चीज़ हम डाल रहे हैं। फिर इसके बाद दही फेटे थे, दही डाले हैं, दही ना हो तो मलाई डाल दीजिए, मसाला पूरा पक जाए फिर दही या मलाई डालिए, थोड़ा सा पानी डाले, नमक डाले। देखिए सब्जी मेरी पूरी धीरे धीरे पक रही है, अभी पूरी पकी नहीं है सब्जी। फिर धीमे आँच पे इसको ढक के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चीनी भी डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। सब्जी थोड़ी सी पक गई है, ऊपर से गार्निश कर रहे हैं हरे धनिए से, आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। देखिए सब्जी कितना टेस्टी और यमी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया महक भी आ रहा है इसका, खुशबू बहुत अच्छी है। पनीर की सब्जी, दाल चावल रोटी और भिंडी की सब्जी, यही सारी सब्जी आज हम बनाए हैं खाने में। ये लग गया मेरा खाना दोपहर का, पनीर की सब्जी है, दही है, चीनी पड़ा हुआ है, चावल है, घी लगी हुई रोटी, प्याज का सलाद। चलना दोस्तों खाना खाने, मेरा ब्लॉग कैसा लगा फिर बताइएगा ज़रूर से, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरा अच्छा लगे ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। बाय।